नमस्कार, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता आज आपसे एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी के जीके पेपर की बात करने वाला हूँ। चूँकि पेपर हो चुका है, पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे उस सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कि इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई गई थी कि कैसे चीज़ों को, किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ को हमें पढ़ना है। ज़्यादातर फोकस किया गया था करंट को, और वही चीज़ें हुई। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पहले शिफ्ट में ले लीजिए या किसी भी शिफ्ट में ले लीजिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे करंट से पूछे गए थे। जैसे आपके हाल ही में जो हमारी बनी हुई थी विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। या अभी बात कर लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, तो उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे हाल ही में, किस गवर्नमेंट ने कौन से पुरस्कार दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। समिट की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हुए थे कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, किस जगह पे। और वैसे अगर पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कारों से भी अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, इन सब के बारे में बताया गया था कि आप करंट पे किस चीज़ को फोकस कीजिए। तो ज़्यादातर चीज़ें जो आपको फोकस करनी रहती है वो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आप किसी, दो तीन पॉइंट है जिसको आप मोस्टली याद कर लीजिए। उसमें क्या होता है, आपको डेज फिक्स होते हैं, दिवस, एकाध दिवस आपसे इस बार भी पूछे गए थे, ठीक है। समिति यानी कि कौन सी समिति कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इससे रिलेटेड। और अवार्ड हो गया, पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें जितने भी बताए गए थे आपको, ये सारे इस समय के पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी बहुत इजी मात्रा में, जैसा हमने कहा था कि आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जी बिल्कुल वैसे ही आपसे इस बार पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल सिंपल सा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इससे रिलेटेड चीज़ें थी। या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस। किसी से फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ दिया था। तो जितना कहा गया था कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें जितने आप सरफेस की नॉलेज, एक नॉर्मल नॉलेज रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और वैसा ही इस बार का रिस्पांस रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जितने भी बच्चे 6 महीने या 1 साल से पढ़ रहे थे, या जितने भी 3 मंथ वाले थे, सारे बच्चों से आप मिलिए, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल बताए हुए बच्चे, जो चीज़ें हम बच्चों को बताया गया था वैसे रिलेटेड जो चीज़ें गेस की गई थी, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपके सामने अभी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो जितना कोशिश करें कि आप, अगर आप मान लीजिए करेंट की तैयारी करने वाले हैं, तो करेंट में आप रूटीन बना लीजिए कि आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, मंथली मैगजीन किसी कॉमिक का ले लीजिए, आप पढ़ते रहिए, न्यूज़ आप सुनते रहिए, और उसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार करके पेपर के समय तक आप उसका रिवीजन करते रहिए। ये एक बेस्ट तैयारी रहेगी आपके करंट के लिए। और रही बात, तो ज़्यादातर चीज़ों को रटने के बजाय आप उसे सोचिए, समझिए, तो आपके लिए बेटर रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक। अब आपको क्वेश्चंस बता दिया जाए ज्योग्राफी में, या नॉर्मली जो क्वेश्चंस आए थे, पूछे गए थे सीएम, केरल का सीएम कौन है, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, और इसके साथ साथ सिक्किम के भी सीएम के बारे में पूछा गया था। और यहाँ पर यानी कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ये सारी चीज़ें लगभग क्लास में ही हम लोग बच्चों को याद करा देते हैं, जिससे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और रिजल्ट आपके सामने एक उम्मीद करेंगे कि अच्छे से बच्चे का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद।